सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन जो कि राजारहाट में है उसका एक स्टूडेंट फीडबैक ले रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस कर रहे होंगे, लाइक कॉलेज का कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कितना है, कट ऑफ क्या जाता है, एंड लास्टली आप अगर इस साल WBG के एग्जाम या JEE Mains के एग्जाम दिए हो देन आपके लिए ये कॉलेज का वर्थ इट है कि नहीं है, तो कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशु, वेलकम टू आर प्लेटफॉर्म। कई सारे बच्चे आपको पहली बार देख रहे हैं, तो आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करना चाहो। थैंक यू। माई नेम इज़ प्रियांशु दे एंड करेंटली आई एम इन सेकेंड ईयर फ्रॉम टेक्नो इंटरनेशनल रिटर्न ऑफ IT ब्रांच एंड आई स्टे एक्चुअली इन माई होम टाउन कोलकाता नियर द एयरपोर्ट। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि मैं 2 साल मेरा कॉलेज से स्पेंड किया हूँ और अच्छा ही है क्योंकि कैंपस लाइफ तो अच्छा ही होगा। न्यू टाउन पे ये कॉलेज है तो ऑब्वियसली कैंपस लाइफ एकदम वर्सेटाइल है, स्टूडेंट्स लोग के लिए तो और भी फ्री एनवायरनमेंट होगा है और उसके साथ साथ जो कुछ भी न्यू टाउन पे तो नॉर्मली स्टूडेंट फ्रीली घूम सकते हैं, रिमोट एरिया से तो अच्छा है और मेरे घर से तो ये इजीली होता है, ट्रैवल कर सकते हैं बाई बस और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तो अच्छा ही है। तो ये जो कॉलेज है मकाउट के अंडर में ही है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, जरा खुल के आप बता सको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ऑब्वियसली इधर कॉलेज तो स्ट्रिक्टली मैकआउट का रूल्स तो फॉलो ही करते हैं, साथों साथ कॉलेज का खुद का भी अलग से कुछ प्रोग्राम्स रहता है स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए। जैसे कुछ कभी हम लोग का प्लेसमेंट कोर्सेज भी कराया जाता है जो मैकआउट के अंडर नहीं है, हम लोग को भी किया जाता है स्पोकन स्किल्स, साथ साथ कोई कोडिंग का भी क्लासेस किया जाता है, कभी डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग को प्रोजेक्ट्स किया जाता है, उसके लिए भी हम लोग को अलग से पॉइंट्स मिलता है। तो वो तो कॉलेज के लिए अलग से रिकॉर्ड है जैसे कि हम लोग को प्लेसमेंट के टाइम बेनिफिट हो जाए। और ऐसे मैकआउट का तो जो भी रूल्स है हम लोग को तो फॉलो करना ही पड़ता है। रिसेंटली हम लोग का सेमिस्टर्स भी है, जून मंथ से चालू होगा एंड सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली। तो तुम तो लाइक IT डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, एंड जो CSE IT के जो डिपार्टमेंट है उनके फैकल्टी काफ़ी बेहतरी होते हैं, लेकिन जो बाकी जो डिपार्टमेंट हो गए उनके फैकल्टी कैसे हैं, मतलब कितना सपोर्टिव है? अब बाकी डिपार्टमेंट जैसे सिविल एंड मैकेनिकल जिधर बेसिकली कोर ब्रांच बोल के स्टूडेंट्स लोग दे आर गेटिंग, बट दे आर स्टिल नाउ ऑल्सो गेटिंग प्लेसमेंट्स एंड नॉट ओनली इन द IT कंपनीज, दे आर ऑल्सो गेटिंग कोर ब्रांचेस, कोर कंपनीज भी आ रहे हैं। क्योंकि मैं रिसेंटली मेरा सीनियर से जस्ट इन्फॉर्म किया था, उन लोग मुझे बोले थे कि उधर कोर कंपनीज भी आ रहे हैं, प्लेसमेंट्स भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं। और ऑब्वियसली टीचर्स भी हेल्पफुल है नॉट ओनली इन कोर ब्रांच, नॉन कोर ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस में भी हम लोग का फैकल्टीज अच्छा ही है, उन लोग का रिव्यूज है और कोर ब्रांच नॉन कोर ब्रांच में CSE IT में तो अच्छा होता ही है, उन लोग हेल्पफुल है। वैसे टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में काफ़ी सारे कॉलेजेस है, जो टॉप के कॉलेजेस हैं लाइक आपका टेक्नो मेन सॉल्टलेक हो गया, एंड सेकेंडली आपका नेताजी हो गया। अब नेताजी सुभाष के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे प्रेफर करते हैं, मेघना साहा भी है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे टेक्नो इंटरनेशनल प्रेफर करते हैं। अब लाइक प्रियांशु, यहाँ पर आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो टोटल सेमेस्टर फीस कितने हैं कॉलेजेस के, इस कॉलेज का? हाँ, मैं अभी तो रिसेंटली फीस से हाइक हुआ है पर करेंटली 5.5 लाख का फीस है फॉर 4 ईयर्स। अच्छा। और शायद से ये टेक्नो इंडिया में जो भी कॉलेजेस है मैकआउट के अंडर पे है वो बेसिकली ये फीस स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं कि प्लेसमेंट कैसा अभी रिसेंट चल रहा है इसका, 2023 का बात करें तो एवरेज पैकेज कैसा है, ऑन कैंपस का स्पेसिफिकली बात करें तो? ऑन कैंपस प्लेसमेंट अभी 2023 का पूरा रिजल्ट अभी निकला नहीं पर 2022 का जो करंट रिजल्ट था सो उसमें मेजोरिटी प्लेसमेंट जो हुआ था वो कैपजेमिनी के अंडर हुआ था जिसमें 107 स्टूडेंट प्लेस हो गया था। तो 170 इज द बिगेस्ट नंबर एक्चुअली। और उसके साथ साथ और भी TCS निंजा उसके साथ साथ TCS निंजा था, उसके बाद TCS डिजिटल भी था और कुछ कुछ कंपनीज और भी था जैसे आपका लेक्समार्क है, EY है, और भी कंपनीज विजिट करते हैं, PwC भी है और कुछ प्रोडक्ट बेस भी था एक दो, तो वो तो आते ही ऑब्वियसली। एवरेज पैकेज कैसा है, मतलब एवरेज पैकेज आपका 6 लाख तो होता ही है। हाईएस्ट पैकेज CSE डिपार्टमेंट का गया था 28 LPA का, वो हम लोग देखे थे 28 LPA का एक भैया को मिला था, वो CSE डिपार्टमेंट से है। IT डिपार्टमेंट 12 या 15 LPA का एक भैया को जॉब मिला है,
ये करंट बेसिस में बोल रहा हूँ। वैसे ये जो कॉलेज है टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में ही है, तो टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में जो भी कॉलेजेस है उनका एक पूल कैंपसिंग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी बच्चे होते हैं, मेघना साहब बात कर लीजिए या नेताजी बात कर लीजिए या टेक्नो इंडिया से बात कीजिए, तो एक जॉइंट कैंपसिंग होता है जहाँ पर सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा बैठाया जाता है एंड वहाँ पर एक सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जो अपॉर्चुनिटीज है वैरी करते रहता है, लेकिन पूल कैंपसिंग का एक फ़ायदा यहाँ पर थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। और बता दो, इसे कंपैरिजन में और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हो गए, ठीक है, लाइक आपका RCC IIT हो गया, ठीक है, मेघना साहा हो गया, सेंट थॉमस हो गया। तो आप अगर ये तीन कॉलेज के साथ इसको कंपेयर करें तो ये जो कॉलेज है ये तो प्रोग्रेसिव रेट में, ठीक है, ये ग्रोथ में है, एंड जो बाकी जो कॉलेजेस है वो उनका ग्रोथ थोड़ा कम हो चुका है। तो आप अगर सपोज टेक्नो में नहीं मिल रहा है, नेताजी नहीं मिल रहा है, EOT नहीं मिल रहा है, हल्दिया नहीं मिल रहा है और बीवी पोदार, ठीक है, तो इसके बाद आपके जो अल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं वो टेक्नो इंटरनेशनल हो सकता है, क्योंकि सबसे मेन एडवांटेज है इसका लोकेशन जो कि एकदम सॉल्ट लेक में, तो जो भी लाइक IIT कंपनियां होती है सब पास में है। हाँ, अभी तो हम लोग का CSE में भी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, मींस IoT, उसका AI ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और कोर्सेस चालू तो हो गए। उसमें भी स्टूडेंट्स में अच्छा ही इंटेक हुआ है। हम इस साल तो IoT, डेटा साइंस जैसा न्यू स्टार्ट हुआ है, सो ऑब्वियसली ये सब में भी अच्छा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोग। और ऐसे भी CSE IIT तो एक कम्पिटिटिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि इधर स्टूडेंट्स में कंपटीशन लगा ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द पार्ट जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स करना पड़ता है, फैकल्टीज के साथ हम लोग को बैठ के प्रोजेक्ट्स करना पड़ता है। फैकल्टीज हम लोग का बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि हम लोग रिसेंटली कवच एक हैकाथन हुआ था जिसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करने मिला था। और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हम लोग, मेरा ही टीम टॉप 10 कॉलेज में सिलेक्ट हो गया था। सो हम लोग ऑप्ट किए थे फॉर नेशनल हैकाथन कवच के लिए। सो हम लोग का मैक्सिमम मेजोरिटी 90% ऑफ IT डिपार्टमेंट एंड CACF पार्टिसिपेट इन कवच, एज वेल एज टू टीचर्स ऑल्सो बी द मेंटर ऑफ अस एंड दे हेल्प लाइक दैट। वी आर जस्ट फ्रेंडली एनवायरमेंट था, जिससे कि हम लोग टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट किए, कोई भी प्रॉब्लम था तो हम लोग रात को भी कॉल किए थे, तो सर हम लोग को देख के हम लोग को बता दी क्या प्रॉब्लम से। सर भी हम लोग का प्रोजेक्ट का खुद बात खुद से ही कर दे रहे थे हम लोग को, क्योंकि हम लोग को भी काम था, हम लोग भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, सर भी हेल्प कर दिए थे। सो बहुत हेल्प ली हम लोग को फैकल्टी से। सो उसमें और उसके साथ साथ हम लोग में DAS है, कभी कभी ये सब्जेक्ट होता है कि DA एंड DSA समझने में प्रॉब्लम होता है, और इसके लिए एक अच्छा सा एक नॉलेज लेना ही पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक अच्छा टीचर तो जरूरत है ही। सो फैकल्टी है हम लोग का, कुछ कुछ फैकल्टीज इतना अच्छा समझाते हैं कि हम लोग को DA में उतना प्रॉब्लम ही होता नहीं है। और इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी हम लोग को डायरेक्टली सर क्लासरूम में बोल देते हैं ये क्वेश्चंस इंटरव्यूज के लिए ज़्यादा आता है DA में। सो हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है। हाँ, साथ साथ हम लोग का एक न्यू ऑब्वियसली गूगल का GDSC का हम लोग का क्लब है। सो स्टूडेंट्स उन लोग उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अलग से हम लोग का उधर इवेंट्स होता है गूगल का। तो यहाँ पर तुमको लगभग 2 साल हो चुका है, तो अगर मैं तुमसे पूछूँ क्या प्रोज एंड कॉन्स इस कॉलेजेस के, लाइक तुम्हारे भी फ्रेंड कुछ होंगे जो नेताजी पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोमेन पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है एंड कंपेयर करें टेक्नोमेन के जो टॉप के जो 2 कॉलेज है, क्या डिफरेंस है? हाँ, ऑब्वियसली टेक्नोमेन पे एक है कि वो ऑब्वियसली टेक्नोमेन इज हायर रेटेड, वो रेटिंग में ज्यादा है, पर मैं बोलता हूँ कि एक कॉन्स होता है कि हम लोग का कॉलेज में एक ओवर एक लोअर रेट कॉलेज है, क्योंकि वही आदमी लोग को उतना नाम पता नहीं है टेक्नो इंटरनेशनल न्यूटाउन के बारे में, पर इट्स अ गुड कॉलेज, मोर देन डिसेंट कॉलेज। और नेताजी इज लाइक दैट कि वो इज अ रिमोट एरिया पे है, सो स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है ट्रेवल करना। इफ समवन कैन कांट ऑप्ट फॉर नेताजी फॉर द लोकेशन, दे कैन डेफिनेटली कम फॉर टेक्नो इंटरनेशनल न्यूटाउन ऑल्सो, बिकॉज इधर एक एरिया ही है प्राइम एरिया न्यू टाउन, और इजीली सब लोग को हॉस्टल मिल जाएगा, और इधर एक्सपोजर्स भी ज़्यादा है, हम लोग का क्लब्स भी है बहुत सारा जिसमें कि वो पार्टिसिपेट करके खुद का अलग से जो भी पैशंस है, कोई सिंगिंग है तो हम लोग का सिंगिंग क्लब है, रिदमाचारे क्लब, उसके बाद आपका एक फिल्म एंड ड्रामा क्लब है टॉकीज की एंटी टॉकीज, उसके साथ साथ हम लोग का फोटोग्राफी क्लब है TINT फोटोग्राफी क्लब, और लिटरेसी क्लब है वो भी हम लोग का सब क्लब होता है, और एक एक क्लब का हम लोग का अलग से एनुअल फेस्ट भी होता है, जैसे कि स्टूडेंट लोग हम लोग अपने टैलेंट्स भी शो करके हम लोग को अच्छा ही होता है, ये सब इवेंट्स होता है छोटा छोटा, इसके लिए हम लोग को एनवायरमेंट भी मिलता है अच्छा, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है उसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं। और कोडिंग क्लब तो है ही, जिसमें कोडिंग क्लब और गूगल का क्लाउड का क्लब तो एक साथ ही चलता है, हम लोग उधर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो ये मतलब थोड़ा अंडररेटेड कॉलेज है, मतलब कॉलेज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। आप अगर बात करें प्लेसमेंट, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ओवरऑल मतलब एक ठीक ठाक कॉलेज आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, तो अगर बात करें टेक्नो मेन में आपको नहीं मिल रहा है या नेताजी में नहीं मिल रहा है एंड आपको टेक्नो मेन के ग्रुप के अंडर में ही कॉलेज चाहिए, देन आप टेक्नो इंटरनेशनल चूज कर सकते हो, क्योंकि इसका लोकेशन बढ़िया है एज कम्पेयर टू मेघना साहा। क्योंकि मेघना साहा भी काफ़ी एक रिमोट एरिया में चला जाता है एंड कैंपस भी उतना कुछ खास है नहीं। तो आई थिंक आपका जो भी कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग टेक्नो इंटरनेशनल वो क्लियर हो चुका है, बट स्टिल कुछ कन्फ्यूजन रह चुका है तो प्रियांशु से आप कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है।